कोई काम के लिए बोलो फोन ही नहीं उठाते। ये मदन लाल को रात को फोन कर दूं, रात को फोन उठा ले। पेंशन के पीछे धक्के खा खा के मेरी तो गति हुई पड़ी है, लेकिन ना इनकी अब तक लगी है ना मेरी। एमपीडी वाले कहते हैं उनसे कही, वो कहते हैं उनसे कही है, हम चुपचाप बैठ के हार के बैठ गए। स्कूलों में बच्चों के लिए कापियां किताबें सब फ्री, खाना फ्री, पैसे भी मिलते हैं। 72 साल से अगर कांग्रेस ने सरकार ने काम किया है तो अब बीजेपी का तो सिर्फ 6 साल ही हुए अभी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आप अपना नाम बताएं। अश्विनी बोरा। निर्मल चापड़ा। सुल्तान अहमद। चंचल नाम है मेरा। अश्विनी जी, 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का काम कैसा है दिल्ली? वैसे ठीक है, सब कुछ, पानी बिजली बहुत सस्ता गया, सब बच्चों के स्कूल अच्छे बनाए हैं, बहुत खुश हैं। वो कहते हैं वो करेगा, वो कहते हैं वो करेगा। केजरीवाल को तो कोई मतलब काम करने ही नहीं दे रहा है, तो सबको ही पता है। आज पार्टी काम हमारी तरफ से हो रहा है तो हम कहेंगे कि ठीक है ना। आपके एरिया में नहीं हुआ है लेकिन दिल्ली का क्या बात है? काम किया है आम आदमी पार्टी ने, हर जगह किया है, थोड़ा बहुत काम किया है। वो टीवी में बताते हैं तो उसमें तो बताते हैं काम किया है, हमारी तरफ काम हो तब कहते हैं। पेंशन के पीछे धक्के खा खा के मेरी तो गति हुई पड़ी है, लेकिन ना इनकी अब तक लगी है ना मेरी। अच्छा, पेंशन भी आपको नहीं मिल रहा? जहाँ भी देते हैं, अभी ये अभी वो, अभी नहीं बनेगी, अभी नहीं लग रही, अभी ये बाद में जब होंगे तब लगेंगे, तो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन पेंशन का कोई हिसाब नहीं। सफाई के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, मेडिकल में है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके विधायक कौन है? हमारे यहाँ के हैं मदन लाल। मदन लाल जी, कैसा है उनका काम? मैं देखो, मैं बुरा भला कुछ नहीं है, लेकिन 2 बार कागज दे के आई थी, पेंशन के जमा करवा के आई थी, आज तक मतलब सालों हो गए हैं अब तक कोई तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बुरा भी नहीं कह सकती, भला भी नहीं, ठीक है ऐसी कोई बात। कल रात को आए कहते ये बना, हम सड़क बना देंगे, ये जो है ना गटर पड़े ना इसके ऊपर हमने वो मतलब सड़क बनाएंगे, हाँ पार्क बनाए उन्होंने थोड़े बहुत जी। जब कभी कोई कंप्लेंट होती है सुनवाई करते हैं, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, वो इलेक्शन के बाद आते हैं? बिल्कुल आते हैं, जब बुलाते हैं जब आते हैं। खुदाई करके गए हो, 6 महीने हो गए हैं, इसमें गटर डाले अभी तक नहीं बने। अच्छा, मदन लाल जी ने किया है, बहुत बढ़िया काम है उनका। जब भी कोई पानी गंदा आता है हम फोन करते हैं, फट गाड़ियाँ भेज देते हैं, गटर साफ हो जाते हैं। अच्छा, और पानी का भी अपना हमारा वो फ्री लगाया हुआ है इसने पंप। काम ठीक है, मगर कितने टाइम से हम परेशान हैं। यहाँ पे हमारे घर के सामने नाला था, पार्क बनाया गया, घर में मच्छर आ रहे, जंगली सारे वो लगे पड़े हैं पौधे, हमारे घर में बच्चे हमें काटे जा रहे हैं, इतने बड़े डॉट हो रहे हैं उनके शरीर पे, जो कि हम दुखी हैं। और हमने 3-4 बोला कि पानी की परेशानी होती है तो वहाँ पे पंप लगाया, पार्क के बीच में 4 ब्लॉक के, 1-2-3 ब्लॉक में वो पंप जोड़ा जाए जिससे हमें पानी की परेशानी भी दूर हो, दिन में ही पानी आता रहे। कल रात को आए थे, एक दफा 6 महीने पहले आए थे, 7 महीने पहले आए थे, बस यही आए थे। मच्छर का छिड़काव जो है MCD वाले करते हैं, आपने MCD वालों से कभी बात? उनसे बोला है, उसे वो पेड़ कटवाओ, 36 को बोल दिया कोई नहीं आता, ये इतने बड़े बड़े जंगल बना बड़ा देख रहे हैं आप। MCD वाले कह रहे हैं हमारा नहीं है। अच्छा, वो आई थी, वो जो लेडीज बनी थी ना यहाँ पे, वो आई, हमने उसको बताया, कहती है हमारा काम नहीं है, ये इनका ही काम है, MLA का, सीमा मलिक है, आज तक नहीं आई। कोई काम के लिए बोलो फोन ही नहीं उठाते, ये मदन लाल को रात को फोन कर दूं, रात को फोन उठा ले। वो आते इलेक्शन के बाद ये छिड़काव आए हैं, यहाँ छिड़काव कुछ नहीं हुआ, ये ऐसी बनी हुई है धर्मशाला, ये तो MCD का काम है, वो उसमें चाहे MCD का, हमने MCD को भी बोला है, किसी ने कोई वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। बिजली का बिल माफ हुआ? सच में माफ हुआ और कम आ रहा है और अच्छा आ रहा है, ऐसी बात नहीं, हम तारीफ है इसकी। पानी भी ठीक है, सस्ता है, कई कंप्लेंट करते हैं, फोने करते हैं, ये भी करते हैं फोने, ये भी करता फोन, मैं तो फोन रखते ही नहीं हूँ। ये हमारे गटर बंद हो जाते हैं, पानी में बदबू आने लगती है। अच्छा। फिर हम फोन करते हैं सुबह ही, रात को करें तो सुबह गाड़ी आ जाती है। अच्छा। संडे है, कल सुबह गाड़ी आ जाएगी, मैं कोई बात नहीं, सुबह गाड़ी आती है, बड़ी मशीनों से गटर साफ करते हैं। जब आपने अपने MLA से बात की तो उन्होंने शायद आपको बोला होगा कि MCD का काम है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, मगर MCD से उनका हमें तो नहीं पता, वहाँ जाओ तो MCD वाले कहते हैं उनसे कही, वो कहते हैं उनसे कही है, हम चुपचाप बैठ के हार के बैठ गए। सफाई वगैरह के लिए, इसके लिए दोनों, मतलब हमारे जो है जो MCD वाले हैं वो भी ठीक हैं, और जो MLA हैं वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कैपेसिटी दी है, मकान से हमने कूड़ा उठाया, यहाँ लोगों के मकान गिरे वो हमने भरा है। अच्छा, तो कूड़े से आपने खुद, मतलब आप लोगों ने अपने मेहनत की, हमने खुद ने खुद ही साथ हमारे साथ और भी 2-4 आज मेहनत की डालते रहे हैं, अगर किसको दिए भी है तो 150 रुपए दिए होगा ज्यादा नहीं, ये सारा करवा के सब कुछ कर गए, लेकिन आज तक इन्होंने बना नहीं। अच्छा, मतलब पूरी तरह काम नहीं किया। जिनके घर से एक मलबा आ जाए, किसका घर बन रहा है उसका मलबा आ जाए वो घर बन रहा है, लेकिन मलबा आया तो हमने 40-50-100 रुपए जो भी देना था दे के ये भरवाया। जब वो आते हैं इलेक्शन के बाद कभी, तो अगर किसी और तरह की कोई दिक्कत हो जो उनके अंडर आता है? दिक्कत कुछ तो नहीं है, पेंशन सबकी लगी है, बुजुर्गों की भी है, बस यही दिक्कत है हमें,
कि ये पार्क साफ सफाई की जाए या बच्चों को झूले लगा दें। और वो सामने एक पार्क है वो भी ऐसी बंजर पड़ा हुआ है, पार्क में अच्छा बनाए जिससे कि बच्चे खेलें और ये अपना सही रहे। पहले कांग्रेस ने भी किया, हाँ उन्होंने हमने पुल बनवाई, ये हम कह के रोज एक्सीडेंट हो जाते थे, तो नीरज बसोया को बोल के हमने पुल बनवाई, हमारी सीढ़ियों में सारे टाइलें लगवाई। कांग्रेस ने भी काम किया लेकिन जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। 72 साल से अगर कांग्रेस ने सरकार ने काम किया है तो अब बीजेपी का तो सिर्फ 6 साल ही हुए अभी, अब उसका क्या पता लगे कितना काम आगे करेगी। सफाई बहुत होगी स्कूल में, हाँ जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको खाना भी मिल रहा है, उनको बुक्स भी मिल रही है, ये बहुत अच्छा काम है। हाँ, ये फैसिलिटी तो ठीक है। और पढ़ाई का लेवल कितना? पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, हाँ। पहले से बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया स्कूलों का काम है। स्कूलों में बच्चों के लिए कापियाँ किताबें सब फ्री, खाना फ्री, पैसे भी मिलते हैं। स्कूल बढ़िया है जी, गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया कर दिए केजरीवाल ने, और मोहल्ला क्लिनिक में भी सब मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। जब मोहल्ला क्लिनिक भी कहते हैं कि यहाँ पर है, कभी आपने? ना ना, वो उसके लिए कभी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक है एमसीडी के, जो अपनी डिस्पेंसरी वगैरह है वहाँ पर। हमारे एरिया में तो खैर अच्छी है, और जगह का तो हमें पता नहीं। मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, अपना जल बोर्ड जो है इधर, उसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, कोई ऐसे नहीं, सामने देख सकते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ बैठेगा, जो यहाँ से दवाई होंगी तो आपको मिलेंगी। हर स्कूलों के लिए, हर हॉस्पिटल के लिए इसे बहुत सुविधाएं करेंगे। फ्री सारे टेस्ट हो रहे हैं, फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री तो हो रहे हैं, वो अच्छा भी हो रहा है? सिर्फ फ्री है या फिर अच्छा भी? अच्छा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। हॉस्पिटल की सफाई को देख के मन खुश हो जाता है। मैं कह रहा हूँ आदमी बन पड़े कि हम ये काम कर रहे हैं, और चलान कम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो काम आज भी टीवी पे आया है वो कहते हैं ये गलत हुआ, जो ये चलान हुआ बड़े पैसे, ये मारे ने, ये सियासत का काम है, और सियासत में ऐसे इस काम में सियासत नहीं आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस चलान को कहते कम करेंगी। आम आदमी की पार्टी ने बहुत काम तो किया। क्या लग रहा है 2020 का जो चुनाव आएगा उसमें क्या होगा, जनता का करवट किस? मैं देख जनमत के करवट तो मैं कह रहा हूँ इतना होना चाहिए उसके ऊपर आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के लिए और यहाँ के लोकल लोगों के लिए, दोनों के लिए। आप कह रहे हैं दिल्ली के लिए आम आदमी की गवर्नमेंट बढ़िया है, मदन लाल जी आए जो भी, आम आदमी पार्टी होना चाहिए।